हाय एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर और स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो पर। फ्रेंड, आप लोगों ने इस वीडियो को ओपन किया है हमारा थंबनेल को देखकर और हमने अपना थंबनेल में साफ साफ लिखा है फ्रेंड, रियलमी मोबाइल का लॉक कैसे तोड़े, पासवर्ड, पैटर्न, पिन। अगर आप लोग भी रियलमी एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूज करते हो या रियलमी एंड्रॉयड स्मार्टफोन न्यू मार्केट से परचेज करके लेकर आए हो और आपका फोन इस प्रकार लॉक हो चुका है, लॉक नहीं हो रहा है, आप लोग डायरेक्ट सर्विस सेंटर या रिपेयर मोबाइल दुकानदार के पास जाते हो ऐसे सिचुएशन में, वहाँ पे आपका फोन बहुत ईजिली तरीके से अनलॉक कर दिया जाता है। आपसे पैसा लिया जाता है, आपका समय लिया जाता है, आपके फ़ोन के अंदर का जो भी डाटा है वो डाटा टोटल का टोटल डिलीट कर दिया जाता है। जो भी आपके फ़ोन में वर्क होगा वो आपको दिखाया नहीं जाएगा, आपका वहाँ पे लॉस ही लॉस होगा। और अगर आप चाहते हो कि आपका रियलमी एंड्रॉयड स्मार्टफोन घर बैठे अनलॉक हो जाए, बिना सर्विस सेंटर गए, बिना डाटा डिलीट किए और बिना कंप्यूटर लैपटॉप के और बिना इंटरनेट कनेक्शन के, अगर आप चाहते हो कि आपका रियलमी फ़ोन अनलॉक हो जाए तो आप इस वीडियो में बने रहना। तो आइए फ्रेंड, मैं बिना टाइम लिए ही इस इंटरेस्टेड वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। अगर आप लोग भी मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। कभी भी ऐसा अनलॉकिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आप लोग के सामने आएगा तो मेरे यूट्यूब चैनल पर कॉमेंट करके हमसे हेल्प ले सकते हो। फ्रेंड, सबसे पहले आप जब अपने रियलमी फ़ोन के स्क्रीन के ऊपर स्वीप अप करोगे, आपको यहाँ पैटर्न, पिन, पासवर्ड नजर आएगा, जैसा कि इस फोन में पासवर्ड लॉक है। आप यहाँ पे अपना पासवर्ड डालने के अलावा कोई वर्क नहीं कर सकते हो। बार बार पासवर्ड को ट्राई करोगे, सेकंड शो करेगा और मिनट शो करेगा, आपका फ़ोन कब डेथ हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपने बार बार रॉन्ग पासवर्ड को ट्राई किया। आपको इतना कोशिश नहीं करना है, आपको इस पासवर्ड वाले पेज में एक ऐसा ऑप्शन खोजना है फ्रेंड, जहाँ पे आपको वर्क करने का मौका मिले। यहाँ पे आप सिर्फ पासवर्ड डाल सकते हो। अगर आप सर्विस सेंटर पे जाओगे तो जो वर्क मैं आपको दिखा रहा हूँ वो वर्क वो लोग कभी आपको नहीं दिखाएंगे। आपको इस पेज में एक ऑप्शन खोजना है जहाँ पे आपको वर्क करने का मौका मिले। ऊपर कोई ऑप्शन नहीं, दाएं कोई ऑप्शन नहीं, बाएं कोई ऑप्शन नहीं। नीचे आप देखोगे तो आपको एक इमरजेंसी कॉल का ऑप्शन दिख रहा है, फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन यही है हमारे पास, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। जब आप इमरजेंसी कॉल पे क्लिक कीजिएगा, आपके सामने भी एक डायलेट ओपन हो चुका होगा। जिस फोन में डायलेट ओपन नहीं हुआ है, ये ग्रीन कलर का ऑप्शन देख रहे हो, यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे, इससे पहले जिसके फोन में डायलेट ओपन नहीं हुआ है, ये कॉल का ऑप्शन नहीं रहेगा, वो सिर्फ ग्रीन रहेगा और राउंड रहेगा, वहां पे क्लिक कीजिएगा तो डायलेट ओपन होगा। अब आपको क्या करना है, ये जो न्यू डायलेट ओपन हुआ है यहाँ पे आपको ये कोड अवश्य डालना है, *#899 और हैज, ये कोड आप डालोगे आपके सामने एक पेज ओपन होगा, जिस पेज का नाम यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है इंजीनियर मोड। इंजीनियर मोड में आपको आने के बाद चार नंबर ऑप्शन पे क्लिक करना है, मैनुअल टेस्ट, चार नंबर ऑप्शन, ऊपर से फर्स्ट पेज को कैंसिल करना है, सेकंड पेज पे आना है डिवाइस डबिंग पे और आपको चेक करना है कि आपका सेंसर एक्टिव है या नहीं। सबसे पहला वर्क आपका यही रहेगा। थोड़ा सा ऊपर आइएगा, चार्ज टेस्ट के नीचे आपको दिख रहा होगा सेंसर सेल्फ टेस्ट एंड सेलिब्रेशन, यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। इस फोन में ऑपरेशन नॉट स्टार्टेड करके दो सेंसर है, आपके फोन में तीन है, चार है, पांच है, आप सबको स्टार्ट कर लेना, दोनों डीएक्टिवेट है, आपको इसको एक्टिवेट करना है। जब ये रनिंग करेगा, वर्किंग करेगा तो येलो कलर का हो जाएगा, आप समझ जाना कि सेंसर हमारा स्टार्ट होना हो चुका है। अब हम ये दोनों को स्टार्ट करेंगे, मेरे पास दो ऑप्शन है तो हम दोनों को स्टार्ट करेंगे और एक पास आने का वेट करेंगे। अगर आपके पास दो से ज़्यादा ऑप्शन है आप सबको स्टार्ट कर लेना, नो डाउट, एक पास आना चाहिए। अगर ये वर्किंग करेगा तो येलो कलर का हो जाएगा, स्टार्ट कर दिए, वर्किंग में है फ्रेंड और येलो कलर का भी हो चुका है, आप देख सकते हो पहला पास आ चुका है मेरा जिसका हमको ज़रूरत था, और दूसरा फेल, नो डाउट मेरा पास आ चुका है। हम बैक करेंगे, जी सेंसर के नीचे आएगा जायरोस्कोप, जहाँ पे हम आपको इम्पोर्टेंट वर्क बताएंगे, जायरोस्कोप पे क्लिक कीजिएगा। ग्राफ का जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और इसको 10 सेकेंड अपने फ़ोन में वर्किंग करते हुए छोड़ दीजिएगा, ताकि आपके फ़ोन में जो भी ईमेल जीमेल हो वो ऑटोमेटिकली तरीके से ब्रेकअप हो जाए। और जब आपको लगे कि यहाँ पे 10 सेकेंड हमारा कंप्लीट हो चुका है, आप बैक कर सकते हो, सिर्फ 10 सेकेंड इसको वर्किंग पे लाना है ताकि आपके फ़ोन में ईमेल जीमेल ब्रेकअप हो जाए। जब लगे आपको 10 सेकेंड हो गया आप इसको बैक कर सकते हो। सेकेंड नंबर ऑप्शन जायरोस्कोप सेल्फ टेस्ट, ये टेस्ट आपको देना होगा और यहाँ पे पास लाना होगा। अगर यहाँ पे पास नहीं आता है, जिनका फेल आता है वो लोग दोबारा से ट्राई करेंगे, जब तक यहाँ पास नहीं आएगा तब तक आपका फ़ोन अनलॉक नहीं होगा फ्रेंड। तो हम जायरोस्कोप सेल्फ टेस्ट पे क्लिक करते हैं, स्टार्ट करने का ऑप्शन आया, हम इसको स्टार्ट कर देंगे और पास आने तक का वेट करेंगे, पास आया हम इसको बैक कर लेंगे। जब तक पास नहीं आएगा तब तक उस पेज से आपको वापस नहीं जाना है। तीन नंबर ऑप्शन डाटा डिस्प्ले, जहाँ पे हम आपको बताएंगे डाटा रिकवर कैसे किया जाता है। सर्विस सेंटर वाले पैसा और समय लेने के बाद भी डाटा रिकवर करके नहीं देंगे, आपको पता होना चाहिए ये बात। हम तीन नंबर ऑप्शन में फ्री में आपको डाटा रिकवर करके देंगे, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। एक्स वाई जेड तीन एंगल यहाँ पे भी नीचे की ओर इंक्रीज करते हुए दिखेगा आपको,
इसको 30 तक इंक्रीज करने दीजिएगा, 30 तक। ये आपका डाटा ही रिकवर हो रहा है फ्रेंड, ये आपका डाटा ही रिकवर हो रहा है, 30 तक इसको रिकवर होने दीजिएगा, 30 प्लस हो जाए आपको इसको बैक कर लेना। आप देख सकते हैं 30 प्लस हो चुका है, हम इसको बैक करेंगे और चले जाएंगे सबसे लास्ट पेज पे फ्रेंड, जिसका नाम होगा अदर्स। यहाँ पे आने के बाद रीड राइट इंपॉर्टेंट लॉक टेस्ट पे क्लिक करेंगे, कैंसिल और ओके का ऑप्शन आया, पहला बार में कैंसिल करेंगे, दूसरा बार में ये कोड यहाँ पे अवश्य डालेंगे 8899 और स्टार हैज, ये कोड डायल करके ओके कर लेंगे। ये रॉन्ग पासवर्ड जिनके भी फोन में शो कर रहा है वो समझेंगे पासवर्ड पैटर्न पिन आपके फोन में रीसेट होना स्टार्ट हो चुका है। की स्टेटस, की बोले तो चाबी, चाबी बोले तो लॉक, तो बस यहाँ पे आपको क्लिक करके चेक करना है पास है या फेल। की स्टेटस पे क्लिक किए, नेम में जितना भी की है बोले तो लॉक का स्टेटस में सारा पास 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 दिख रहा है। तो अब यहाँ पे क्या करना है आपको, आपको यहाँ पे लॉक का बटन दिखेगा, आप यहाँ पे इसको प्रेस करके रखे रहना। पास आने के बाद ध्यान रहे, पास आने के बाद मेरा कोई भी वर्क ऐसा नहीं रहा जहाँ पे फेल आया, सारा जगह पे पास आया। इमरजेंसी रीस्टार्ट, इमरजेंसी रीस्टार्ट, पावर ऑफ लॉक स्क्रीन, पांचवा ऑप्शन ऐड कंट्रोल्स, हमको ऑप्शन नहीं देखना, हमको रीस्टार्ट देखना है। रीस्टार्ट पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, सारे बंदे देखेंगे वीडियो लास्ट पे आ चुका है, रीस्टार्ट पे हम क्लिक करेंगे और इसको रीस्टार्ट करेंगे। और अब आपको पता चलेगा कि आपका रियलमी फ़ोन अनलॉक हुआ है या नहीं हुआ है, तो बस आप लोग वीडियो में बने रहना। ये फ़ोन अभी अभी रीस्टार्ट होगा, आप देख सकते हो रीस्टार्ट होना स्टार्ट हो चुका है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अगर आप स्किप करते हो तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैंने कौन सा मेथड आपको बताया है, तो ये मेथड आप लोग ध्यान देना और यहाँ पे वीडियो में बने रहना ताकि आप लोग को पता चले कि हमारा फ़ोन अनलॉक हुआ है या नहीं हुआ है। तो जो जो बंदे वीडियो में है वो लोग ध्यान देंगे, अब आपका फ़ोन अनलॉक होने जा रहा है। और आप देख सकते हो फ्रेंड कि ये रियलमी एंड्रॉयड स्मार्टफोन अभी अभी मैंने रीस्टार्ट किया और अब ये ओपन हो चुका है। इस फोन में पासवर्ड लॉक था जो कि इस फोन का पासवर्ड लॉक रिमूव हो चुका है और इस फोन का डाटा देख लीजिए, टोटल का टोटल डाटा रिकवर है। पैसा बचा, समय बचा, डाटा बचा। और जो भी वर्क आप लोग के सामने हुआ सर्विस सेंटर वाले, ये वर्क आपको कभी नहीं दिखाते। तो अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। और आपके पास किसी भी कंपनी का फोन है लॉक हो चुका है, अनलॉक नहीं हो रहा है, मेरे यूट्यूब चैनल पे मॉडल नंबर के साथ कमेंट कीजिए, मैं आपका पूरा मदद करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।